रिकी पोंटिंग जो अब किंग्स इलेवन पंजाब के ऑफिशियल न्यू हेड कोच हैं, उन्होंने शायद अभी फिलहाल मैनेजमेंट से कुछ ऐसी बात की है जो अभी सुनने में आई है कि जो इंग्लिश गैंग किंग्स इलेवन पंजाब में बसा हुआ है वो उसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि सबके सब 12 करोड़ 15 करोड़ लेकर बैठे हैं लेकिन कोई भी एक भी मैच जिता नहीं पाता। यहां मैं बात कर रहा हूं जॉनी बेयरस्टो, सैम करन, लियम लिविंगस्टन और क्रिस वोक्स की। जी हाँ, ये चार प्रोमिनेंट फॉरेन प्लेयर्स थे जो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे थे, काफी पैसे ले रहे थे लेकिन एक भी मैच जितवा नहीं पा रहे थे। ये चारों इंग्लैंड व्हाइट बॉल टीम के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, मैं आपको बता दूं, और चारों आप कह सकते हो अलग अलग रोल्स में है। जहां जॉनी बेयरस्टो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन एज वेल एज अ विकेट कीपर है, सैम करन एक ऑलराउंडर है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, क्रिस वोक्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर है मोर और लेस, और लियम लिविंगस्टन एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है जो पावर हिटर चाहिए होता है हर टीम को। तो आइडियली अगर आपकी टीम में ये चार हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू हैव ऑल बेसिस कवर्ड फ्रॉम अ फॉरेन प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ अच्छे इंडियन प्लेयर्स हो तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैम करन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा गिरी है पिछले 3-4 सालों में। इनफैक्ट 2022 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि अभी वो इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम में भी परमानेंट नहीं है। इनफैक्ट उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है। लियम लिविंगस्टन अभी फिलहाल पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लेकिन इसके पहले मैं काफी क्रिटिकल रहा हूँ लियम लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस का। इनफैक्ट टिल दिस वर्ल्ड कप भी मैंने यही कहा है कि लियम लिविंगस्टन का नाम बहुत बड़ा बन गया है सिर्फ 2-4 परफॉर्मेंसेस पे लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, मगर अभी वो एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किंग्स इलेवन पंजाब को लियम लिविंगस्टन के बारे में रिकंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे लियम लिविंगस्टन अगर रिलीज होते हैं किंग्स इलेवन पंजाब से तो काफी फ्रेंचाइजेस होंगी, काफी टीम्स होंगी जो उनको अपनी टीम में एज अ पावर हिटर लेना चाहेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं लियम लिविंगस्टन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर एज वेल, वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों फेंक लेते हैं और इंग्लैंड टीम भी उनसे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराती है, इनफैक्ट वो डेथ बॉलिंग भी करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उनकी स्किल सेट एज अ बॉलर भी काफी अच्छी है। इज अ ग्रेट फील्डर, प्रॉब्लम थी उनकी बैटिंग क्योंकि वो बैटिंग में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से किंग्स इलेवन पंजाब एक डार्क हॉर्स वाली बेट ले सकते हैं। लेकिन रिकी पोंटिंग साहब, जहां तक मुझे पता है, वो जिस भी टीम से एसोसिएट होते हैं वहां एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाते हैं और शायद वो किंग्स इलेवन पंजाब में भी यही करने वाले हैं। जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म भी काफी गिरी है, जॉनी बेयरस्टो टीम से भी बाहर हो चुका है इंग्लैंड के, तो आप कह सकते हो कि किंग्स इलेवन पंजाब ने जिन अच्छे प्लेयर्स पर बेट किया था अनफॉर्चुनेटली वो भी कर्ज हो गए हैं किंग्स इलेवन पंजाब की, आप जो कह सकते हो कि उनका जो लक रहता है, उनका लक फैक्टर जो है वो हमेशा खराब रहता है और वही वजह हो सकती है जिस वजह से सारे प्लेयर्स अभी परफॉर्म नहीं कर पाते किंग्स इलेवन पंजाब में जाकर। आपको याद हो ग्लेन मैक्सवेल भी जब किंग्स इलेवन पंजाब में थे एक पूरा सीजन निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा था, वन फुल सीजन ग्लेन मैक्सवेल सारे मैचेस खेले और एक भी सिक्स नहीं मारा, और अगले ही सीजन आरसीबी में आके उन्होंने कुछ रिकॉर्ड तो छक्के मारे थे। तो समवेयर किंग्स इलेवन पंजाब की शायद ड्रेसिंग रूम का एटमोस्फेयर, शायद उनकी मैनेजमेंट का जो माहौल है वो ऐसा है कि प्लेयर्स वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन रिकी पोंटिंग जो अभी आपको बता दूं दिल्ली कैपिटल्स में भी वो डेविड वार्नर, जैक फ्रेजर मगर्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की भरमार कर दी थी और अब जबकि वो किंग्स इलेवन पंजाब में आए हैं और अभी मेगा ऑक्शन होना है तो वो सबसे पहले इस इंग्लिश गैंग को बाहर निकालना चाहते हैं और ये बात उन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट को कन्वे कर दी है, जो किंग्स इलेवन पंजाब के ही किसी इंटरनल बंदे ने मीडिया में लीक की है कि रिकी पोंटिंग ने जो भी ड्राफ्ट बनाया है, जो प्लान बनाया है इस टीम को जीरो से स्टार्ट करने का, उसमें ये सारे प्लेयर्स प्लान में फिट नहीं होते। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी तो हर कोई जानता है लेकिन मैं प्रैक्टिकली यही कहूंगा कि डेफिनेटली लियम लिविंगस्टन डिजर्व्स राइट नाउ टू बी इन द स्क्वाड क्योंकि ही कैन बी एन एक्स फैक्टर प्लेयर। हाँ, बाकी प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि आप इन्हें 12-15 करोड़ दो। सैम करन इज अगेन अ मिक्स्ड बेट, मगर मुझे नहीं लगता कि ही इज वर्दी इनफ टू बी रिटेन्ड क्योंकि इन करेंट फॉर्म उनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज में हमने देखा उन्हें एक ओवर में 30 रन पड़े थे, T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत ही खराब बॉलिंग की थी, और एज अ बैट्समैन ही इज नॉट अ पावर हिटर, ही इज अ गुड बैट्समैन टू हैव
मगर उनकी प्राइमरी स्किल है ही इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, एक अच्छे बॉलर हैं। जब तक वो अपनी बॉलिंग पे वर्क नहीं करते, उनकी जो ये नॉर्मल सी बैटिंग है ये किसी काम की नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिकी पोंटिंग साहब जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को लाना चाहते हैं किंग्स इलेवन पंजाब में, उस बारे में उन्हें शायद थोड़ा बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।